वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अवन इन्फोटेक। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको एक प्रीवियस वीडियो में बात की थी कि जेके बॉर्डर पेट्रोलिंग की जो फॉर्म है वो 4th ऑफ मार्च 2022 से अप्लाई होंगे, तो लिंक जो है वो एक्टिवेट हो चुका है। तो इस वीडियो में हम आपको डिटेल में बताएंगे फॉर्म कैसे फिल किया जाता है, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको। आप वीडियो को एंड तक देखिए, और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ओके। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम बात शुरू करें तो फॉर्म कैसे फिल किया जाता है। सबसे पहले आपको अपने फ़ोन या लैपटॉप में जो है कोई ब्राउज़र ओपन कर लेना है, ओके। तो आप जो अपने घर बैठे आराम से, आपको कैफ़े में जाने की नीड नहीं है, अपने फ़ोन से अपना जो फॉर्म है वो फिल कर पाओगे, तो कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी इस वीडियो में। सबसे पहले आपको यहाँ पर जेके जो पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाना है आपको, www.jkpolice.gov.in पे जाना है आपको। यहाँ पे मैं जैसे ओके, तो मैं यहाँ पे उस पर जाता हूँ वेबसाइट पे, आपके यहाँ पे जो मैंने क्रोम ओपन किया हुआ है ब्राउज़र, www.jkpolice, इसका लिंक जो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ पे आप डायरेक्ट जो है वो अपना फॉर्म अप्लाई कर पाओगे, ठीक है। तो ये रही साइट्स। नेक्स्ट आपको ये वाली विंडो ओपन होगी, जैसे ये वाली विंडो ओपन होगी ना, आप यहाँ पे तीन जो ऊपर लाइनें लगी हुई इन पे क्लिक करना है आपको। इन पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट आपको यहाँ पे रिक्रूटमेंट पे आना है। रिक्रूटमेंट पे क्लिक करने के बाद देन आपको यहाँ पे दो ऑप्शन मिलेंगे, नोटिस एंड एडमिट कार्ड। आपको नोटिस पे क्लिक करना है। नोटिस पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे दो लिंक आपको मिलेंगे, लिंक फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर टू बॉर्डर पेट्रोलिंग वुमेन, ओके। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे नोटिफिकेशन है, और नीचे और ऊपर यहाँ पे जो है वो लिंक है, तो ऊपर वाले लिंक पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, नेक्स्ट आपको ये वाली विंडो ओपन होगी। अब यहाँ पे जो लिंक है, जैसे आप देख रहे हो कॉन्स्टेबल वुमेन बटालियंस, यहाँ पे दो लिंक आपको मिलेंगे बॉर्डर बटालियंस के, एक ऊपर और एक नीचे, दो लिंक मिलेंगे आपको। तो जो वुमेन से वो ऊपर क्लिक करेंगे, और जो मैन से वो नीचे यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे जो आपने गाइडलाइंस वगैरह अपनी जो आपको दी गई हैं वो आपको रीड कर लेनी है अच्छे से। आपको अपलोड करना है अपना फ़ोटो एंड सिग्नेचर एंड डॉक्यूमेंट्स। अगर आप पासवर्ड आपने भूल गए तो वो आपको वो बाद की बात है, सबसे पहले आपको रजिस्टर करना है। तो क्लिक हेयर पर, रजिस्टर पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे आप हेयर पर इस पर क्लिक करोगे, नेक्स्ट आपको जो है वो मैं बताता हूँ आपको, ये वाली विंडो जो है वो ओपन हो गया। आगे लिंक है, सबसे पहले ऊपर वुमेन के लिए, नीचे मैन के लिए। तो सबसे पहले आपको जो वुमेन से वो ऊपर क्लिक करेंगे, जो मैन से वो नीचे इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। मेल और फीमेल के दोनों के लिए अलग अलग लिंक है, ठीक है। तो जो मेल्स हैं वो नीचे और फीमेल्स के लिए ऊपर है। तो यहाँ पर डायरेक्ट आपको क्लिक हेयर फॉर रजिस्टर पर क्लिक कर लेना है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, नेक्स्ट आपको ये वाली विंडो ओपन होगी, अप्लीकेशन फॉर्म फॉर द पोस्ट कॉन्स्टेबल इन टू वुमेंस बटालियन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पुलिस। तो ये वुमेंस के लिए, तो मैंने यहाँ पे वुमेंस पे क्लिक किया था। तो यहाँ पे उनको क्या करना है, अपना नेम लिखना है, उसके बाद यहाँ पे जैसे जो आपका मैट्रिक पे सर्टिफिकेट पे नाम है वही नेम आपको लिखना है। नेक्स्ट ऑफ फादर नेम्स, देन आपको मदर नेम्स, मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन आप यहाँ पे लिख लीजिएगा, जो भी है आपको कॉमन, जो सामने आपको शो हो रहा है जो भी है इमोल मोर का, जहाँ पे आपको भी है। उसके बाद यहाँ पे परमानेंट एड्रेस आपको लिख लेना है, यहाँ पे अपना जो हाउस नंबर, स्ट्रीट, डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पे चूज़ करना है अपना, यहाँ पे जो भी डिस्ट्रिक्ट है आपका, अनंतनाग है, बांडीपुरा, बारामूला, जो यहाँ पे किश्तवाड़ हो गया, कपवाड़ा, पुलवामा। उसके बाद तहसील आपको यहाँ पे अपनी चूज़ करनी है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे आपका विलेज अपना चूज़ करना है। जैसे आप इन चूज़ करोगे, नेक्स्ट आपको यहाँ पे आपका जो है पूरा डाटा सामने आ जाएगा। पिन कोड यहाँ पे आपको अपना डालना है, उसके बाद यहाँ पे आपको दोबारा से अपना जो एड्रेस है वो डालना है यहाँ पे पूरा, ठीक है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे अपना टेलीफोन नंबर अगर है तो ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर ही डालना पड़ेगा, टेलीफोन नंबर नहीं होगा तो मोबाइल नंबर अपना यहाँ पे डाल लीजिएगा। उसके यहाँ पे आधार कार्ड नंबर आपको डालना है यहाँ पे, फिर ईमेल एड्रेस आपने डालना है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे आपको बताना है कि क्या आप एसपीओ हो, अगर हो तो यस, नहीं तो नो करना है आपको। अगर आप वॉलंटरी होम गार्ड्स हो तो यहाँ पे आपको यस करना है, नहीं तो नो करना है। आर यू एक्स सर्विस मैन, अगर आप एक्स सर्विस मैन हो तो यस करना है, नहीं तो नो। और अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हो तो यस करना है, नहीं तो नो। उसके बाद आपको यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ जो है चूज़ करनी पड़ेगी, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट पे है वही डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे डालनी पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट आपको जेंडर चूज़ करना पड़ेगा अपना, मेल्स एंड फीमेल। उसके बाद मैरिटल स्टेटस, आप मैरिड हो या अनमैरिड हो। नेक्स्ट आपको यहाँ पे कैटेगरी चूज़ करनी है, कौन सी कैटेगरी आपके, एससी एसटी ईडब्ल्यूएस, पहाड़ी स्पीकिंग पीपल, सोशल कास्ट, रेजिडेंट ऑफ बैकवर्ड एरिया, एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल, ओपन कैटेगरी, जो भी है आपकी यहाँ पर चूज़ कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको बताना है
कि आपको आप सेंटर आपने चूज़ करना है जम्मू या श्रीनगर, दो आप चूज़ कर सकते हो जो भी आपको चूज़ करना है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे रिटन एग्ज़ाम आप कहाँ देना चाहते हो, जम्मू या श्रीनगर, वो भी आपको चूज़ करना है। नेक्स्ट आपको जो यहाँ पे बताएगा PET फिजिकल जो आपका टेस्ट होगा, जहाँ पे आपकी रेस होगी वो आप चूज़ कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डोमिसाइल आप जम्मू एंड कश्मीर आपके पास है तो यस करना है, नहीं तो नो करना है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे अगर आप NCC के कैंडिडेट हो तो यस करना है, नहीं तो नो करना है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फिल करनी है। सबसे पहले आपको यहाँ पे मेट्रिकुलेशन की फिल करनी है, बोर्ड कौन सी एग्जाम जो बोर्ड से आपने जो 10th से आपने पास की। नेक्स्ट आपको एग्जामिनेशन रोल नंबर डालना है। नेक्स्ट आपको ईयर ऑफ पासिंग, उसके बाद आपने परसेंटेज डालनी है, ठीक है। तो मैं इसको फिल करके नेक्स्ट आपको बताता हूँ क्या करना है। ये फिल करके आपको सबमिट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट आपको मैं बताता हूँ, ठीक है। पूरी डिटेल जो है वो फिल कर ली है, अब मैं यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करूँगा, ठीक है। तो आपको अपनी पूरी जो डिटेल है वो करेक्ट फिल करनी है यहाँ पे, ठीक है। मैं सबमिट पे क्लिक कर देता हूँ यहाँ पे। तो जैसे यहाँ पे मांग रहा है कि बता रहा है कि यहाँ पे कंफर्म करने के लिए बोल रहा है आपकी डेट, तो यहाँ पे जो भी है मेरी इस पर ओके कर देता हूँ, ठीक है। अभी सबमिट होने वाला है, अभी सबमिट हो गया है, ठीक। तो देखो यहाँ पे आ गया कि मतलब आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुली हो गई है, और यहाँ पे बता रहा है कि आपकी रजिस्ट्रेशन ID ये है और आपके जो पासवर्ड है जो ये है। तो यहाँ पे जो ये रजिस्ट्रेशन ID एंड पासवर्ड आपको जो है वो याद कर लेना है, अपने नोटबुक पे नोट कर लेना है, या आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। नेक्स्ट आपको यहाँ पे क्लिक हेयर एडिट यहाँ पे कर सकते हो, अगर आपको एडिट करना है तो, नहीं तो नेक्स्ट आपको यहाँ पे अपना फ़ोटो अपलोड करना है, ठीक है। फ़ोटो आपको जो 50 KB का आना चाहिए। नेक्स्ट आपको यहाँ पे अपना सिग्नेचर जो है वो अपलोड करना है, 50 KB का आपको आना चाहिए। नेक्स्ट आपको यहाँ पे थंब इम्प्रेशन जो है अपलोड करना है। जो मेल्स हैं वो अपना लेफ्ट करेंगे, जो फीमेल्स हैं वो अपना राइट थंब इम्प्रेशन यहाँ पे अपलोड करेंगे, यहाँ पे फोटो बना के आपको थंब इम्प्रेशन अपलोड करना है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे बॉर्डर सर्टिफिकेट जो है वो अपलोड करना पड़ेगा। नेक्स्ट आपको यहाँ पे PRC सर्टिफिकेट आप यहाँ डोमिसाइल सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करोगे। नेक्स्ट सॉरी परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट ये आता है, ठीक है। तो परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट जो होता है वो PRC स्टेट सब्जेक्ट ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट अलग से मांग रहे हैं आपको, तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे जो इस पर क्लिक करके नेक्स्ट आपको सबमिट कर देना है, ये डॉक्यूमेंट्स सारे आपको अपलोड करके। तो मैं यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दूँगा, उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट जो है वो बताऊँगा क्या करना है। यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो अपलोड किए हैं, लेकिन मुझे ऐसे ही आपको डेमो देना है, तो इसलिए मैंने अपने करेक्ट डॉक्यूमेंट्स नहीं सबमिट जो अपलोड किए, मैंने ऐसे जो डॉक्यूमेंट्स जो है वो अपलोड किए हैं यहाँ पे। आप अपने जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो आपके हैं तो वो आप अपलोड करोगे, लेकिन मैंने यहाँ पे सिर्फ आपको डेमो देने के लिए मैंने डॉक्यूमेंट्स ये जो अपलोड्स किए हैं मैंने ऐसे ही अपलोड किए हैं जो, ठीक है। तो आप यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स उनको स्कैन करके अच्छे से अपलोड करोगे, ठीक है। मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अपलोड कर दिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे ये देख सकते हो आपको यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन ID एंड पासवर्ड आपको जो है वो याद रखना है, ठीक है। ये आप लिख के अपने जो नोटबुक पर नोट कर लीजिएगा। तो इसके बाद यहाँ पे आपको सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करोगे तो ये सबमिट होने जा रहा है, देखो यहाँ पे ये सबमिट हो चुका है, तो यहाँ पे जो सक्सेसफुल हो गया है, ठीक है। अब मुझे जो है वो पेमेंट का ऑप्शन आ चुका है। अब मैं यहाँ पे ऑनलाइन पे क्लिक करके जो है वो देखो मुझे मैसेज भी आएगा कि आप सक्सेसफुली जो है रजिस्टर हो गए हो जो कांस्टेबल के लिए, आपको मैसेज आ जाएगा, आपको मेल भी आ जाएगी, ठीक। तो यहाँ पे ऑनलाइन पे आपको क्लिक करना है, या आप पे ऑफलाइन भी क्लिक कर सकते हो, ठीक है। तो इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे अपना जो कार्ड वगैरह है वो डालना है, अपना जो कार्ड नंबर यहाँ पे ATM कार्ड नंबर, नेक्स्ट आपको एक्सपायरेशन डेट ईयर डालना है, आपको CCV डालना है, कार्ड होल्डर नेम क्या है वो आपको डालना है। उसके बाद यहाँ पे आपको मेक पेमेंट पे क्लिक करना है, आपको नेक्स्ट जो अपना जो OTP डालना है OTP डाल के आप यहाँ पे पेमेंट अपने कर सकते हो। तो ये पूरा प्रोसेस रहने वाला है आपका जो फॉर्म फिल करने का। लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा वीडियो के, वहाँ पे आप डायरेक्ट जो है वो अप्लाई कर पाओगे। तो आप वीडियो को शेयर कर दें अपने फ्रेंड सर्कल में ताकि वो भी इस चीज़ का बेनिफिट ले सकें। ओके, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें गाइज। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तो आप यहाँ पर जो अपना पेमेंट करके अपने जो प्रिंट आउट यहाँ से ले सकते हैं, अपना जो रजिस्ट्रेशन ID है एंड पासवर्ड है आपको जो है वो याद रखना है, वो आप दोबारा से इसको लॉगिन भी कर सकते हो, अगर आपको कोई मिस्टेक हो गई तो एडिट भी कर सकते हो। तो ये थी आज की अपडेट्स, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दें और अपने फ्रेंड सर्कल में भी ज़रूर शेयर कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।